हम खड़े हैं दुबई में अल सबका स्टेशन पर। अल सबका स्टेशन जो है ये डेरा के बाहर है। ये मेरी बैक साइड में जो है, इधर आप देखेंगे तो ये डेरा है। और ये अल सबका स्टेशन जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से ये अल सबका स्टेशन है। और यहाँ से बोट चलती है जो कि हमें लेकर के उस साइड बुर दुबई में जाएगी। तो अल सबका स्टेशन से अगर आपको बुर दुबई जाना है तो ये एक छोटा सा आप राइड लो बोट का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। तो आप यहाँ से बुर दुबई जा सकते हो, सामने बुर दुबई है और ये डेरा इधर इस साइड है, तो डेरा से हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये जो है इसका टिकट आएगा दो धर्म का। यहाँ पे पास में कैफेटेरिया के पास इन्होंने बनाया हुआ है, ये एक केबिन है जहाँ से हम टिकट लेंगे, दो धर्म का आएगा। और अल्फाहिदी रोड उसी साइड है, तो हम अल्फाहिदी रोड पे जाएंगे। दरअसल हमें ख़रीदना है मोबाइल फ़ोन। मेरे दोस्त अकमल जो हैं उनको मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो फ़ोन ख़रीदने का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी तो टिकट लेते हैं और बोट में बैठते हैं। ये हमने टिकट ले लिया जी और हम जा रहे हैं अपने बोट की तरफ, उसमें बैठेंगे। ये जो है आप, ये इस बोट में हमें बैठना है, ये आ गया। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो ये आपका स्कैनर है भाई, देख लो ये टिकट ऐसे स्कैन होगी। और ये इनका बोट का चलाने का है और हम इसी के पास बैठ गए हैं, ये यहाँ पे बैठ गए। और यहाँ से जो है हम आपको नज़ारा दिखाएंगे ये इस कैनाल का। मौसम जो है वो बहुत प्यारा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, शायद बैक साइड से आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखो आप आसमान कितना विजिबिलिटी अच्छी है, बादल छाए हुए हैं। और जैसा हमारे यहाँ पे मौसम बदलते हुए होता है ना, ठंडी हवा और ना आप इसको गर्मी कहेंगे ना सर्दी कहेंगे, वैसा मौसम है। और बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें। पिछली वीडियो में जो हमने डाव क्रूज लिया था लोटस के ऊपर, वो था न्यू दुबई में। हालांकि मैं पहले भी कर चुका हूँ लेकिन उस वक्त मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो वीडियो बनाने के बाद जब मैंने शुरू किया, वाह एक अलग ही एक्सपीरियंस है ये, और बड़ा सस्ता एक्सपीरियंस है ना। सिर्फ दो धर्म में जो है कोई चीज़ आप जो है पूरा है। हाँ, ये सामने आपको डेरा नज़र आ रहा है और ये पोर्ट भी है आपको मैं दिखाऊँ इधर। ये सामने सामान पैक हो रहा है, यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस भी है ईरान के लिए। वो सामने जो शिप लगे हुए हैं छोटे छोटे, उनमें लोड हो रहा है स्टॉक जो ईरान जाएगा या कहीं और भी जाता होगा। हमने लेबर से पूछा, उसने बोला कि ईरान जा रहा है, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ईरान जाता है। वैसे कहाँ कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता, बट ये डेरा एक होलसेल मार्केट है और यहाँ से मेरे ख्याल से एशिया में बहुत जगह माल जाता है। हर एक चीज़ जो यहाँ मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कपड़ा, परफ्यूम, सब कुछ मिलता है। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ये ओल्ड दुबई की स्काईलाइन है। न्यू दुबई की स्काईलाइन अगर आपको देखनी है तो आपको जो एन दुबई है वहाँ से आपको ये क्रूज टूर लेना पड़ेगा जो हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था भाई। ये सीट वाली बोट है ये आप देखो, ये तो अलग तरीके की है। और ये बोट जो है ये अलग तरीके की है, गुड। इसमें इन्होंने LED भी लगाई हुई है, दिख रहा अकमल भाई। ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ का, ये जो पुराना इन्होंने म्यूजियम टाइप बनाया है, ये मरीन ट्रांसपोर्ट का ये ऑफिस है। ये जो है इन्होंने अपने ओल्ड स्टाइल में, जब इनके यहाँ पे पुराने घर होते होंगे उस टाइप के, तो उस टाइप की एक मार्केट बनाई है कि मैंने सुना था काफ़ी टाइम पहले जो है मार्केट स्टार्ट की गई है। बिल्कुल पुराना ये इन्होंने छप्पर टाइप डाला है, नीम का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, दुकानें। रात हो गई है तो इतना रश नहीं है, ये देखें।
ये सब दुकानें हैं यहाँ पे। इसको जो डिज़ाइन किया गया है पुराना, यानी इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर दरारें डाली गई हैं वो भी ऐसा लग रहा है जैसे ये देखिए पुराना पूरा ये पूरा ही मार्केट है। अब सब लोगों के जाने का टाइम हो रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से लगभग 10:30 तो बचने वाले होंगे। ये कश्मीरी कपड़े हैं या शॉल हैं जो भी है, स्काई ऊद। ये सामने एक परफ्यूम की दुकान है, बिल्कुल जैसे गांव के घर होते हैं उसी टाइप से पूरा यहाँ का बनाया गया है। पूरा मार्केट ऐसे डिज़ाइन किया गया, अच्छा है टूरिस्ट के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि आप ना किसी भी चीज़ को अगर अच्छे तरीके से पेश करेंगे तो वो लोगों को पसंद आएगी। अब आप ये देखो कि हमारे यहाँ भी गांव बहुत होते हैं लेकिन उस कल्चर को कभी भी इस तरीके से पेश नहीं किया जाता कि टूरिज्म जो है टूरिस्ट आकर के उसको देखे। लेकिन उन्होंने अपने पुराने कल्चर को इस तरीके से बनाया है कि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अल खेमा हेरिटेज रेस्टोरेंट, ये यहाँ पे इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया है, वही इसको जो डिज़ाइन किया है पुराने स्टाइल में। और दुबई की सड़कों पे रात का नज़ारा, आसमान में बादल छाए हुए। भाई ये देखो यार, लोकल हाउस रेस्टोरेंट, इसमें इन्होंने ऊंट भी लगा दिया है बाहर। और ये नीम के पेड़ यार देखो, तो नीम का पेड़ है किसी और चीज़ का पेड़ है, कितने पेड़ हैं यहाँ पे। ये देखो इधर भी है, इधर भी है। मैं भी तो हूँ। हैं? अरे आप तो हो, लेकिन अब आपको लोगों ने बहुत देख लिया। तो ये अल्फाजी स्ट्रीट है जनाब, अल्फाजी स्ट्रीट पे चौक का नाम है फैजी, वहाँ से हमें मोबाइल ख़रीदना है। और ये देखो भाई, वाइट कलर और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में यहाँ बैठने का इन्होंने बनाया क्या। ये देखो आप, फ्लावर्स वगैरह लगा करके ना, बड़ा खूबसूरत सा। देखने के लिए तो बहुत कुछ है, बस ये है कि आपको कितना देखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी हिम्मत है, कितना आप घूम सकते हो। अदरवाइज़ जो मेन अट्रैक्शन है वो लोग कवर करके चले जाते हैं कि भाई बुर्ज खलीफा देख लिया और उसके पास फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम और फिर आपका दुबई फ्रेम और 4-5 यही देखते हैं। लेकिन जो मेन घूमना होता है ना वो होता है लोकल का, लोकल में कहाँ क्या मिल रहा है। एक रेस्टोरेंट पे मैं मौका मिला तो एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे हमने कल खाना खाया था, मैं वीडियो नहीं बना सका। इतना इतना टेस्टी, इतना लजीज खाना, अल्टीमेट। जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो भाई उस खाने की तारीफ़ जितनी की जाए, उसके बाद जो है हम चाय पीने के लिए गए, थोड़ी सी वीडियो वहाँ की बनाई थी मैंने, डॉक्टर चाय या डबल शॉट चाय। वो तो आयुर्वेदिक फार्मूला था, जैसे हमारे यहाँ काढ़ा होता है अदरक उसमें शहद, लेकिन हाँ ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा था उसका। उससे पहले हम वो कौन सा था, यलमाज ममजार, हम ममजार गए थे हमारे एयरपोर्ट के पास, तो वहाँ की लेमन टी बहुत लजीज, शावरमा और चिकन बर्रा जो है, रोस्टेड चिकन। हाँ वो ही तो बता रहा हूँ, वहाँ की तो वीडियो बनाने वाला खाना था वो, तो वो मैं बनाना जो है वो नहीं बना पाया क्योंकि भूख लगी हुई थी, हम सीधे खाने पे लग गए। रेस्टोरेंट का नाम बता देता हूँ मैं, अलीगढ़ शेफ के नाम से रेस्टोरेंट है और ये सेंट्रल डेरा में है, तो वहाँ का वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे एक अलग से। वो देखो जी हमारी रेड लाइट हो रही है, रोड क्रॉस करनी है। और इस मार्केट का थोड़ा सा एक नज़ारा देखो आप, ये इस गेट, इस होटल का गेट एक अलग ही स्टाइल में है। और ये मार्केट में हम आ गए, ये आ गए जी स्पेशियो शॉप, जहाँ पे हमें दोस्त हैं उन्होंने यहाँ पे स्पेशली भेजा है। हम मोबाइल फ़ोन देखना है, यहाँ से देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। भाई इतने इम्पोर्टेंट हो रहे हैं हम कि भाई ये भाई हैं, इन्होंने ना इन भाई को बिना कि इंट्रोडक्शन के पहचान लिया। देखो भाई ड्रोन बिक रहे हैं यहाँ पे, ड्रोन की बहुत वैरायटी है। और ये तमाम जो है कैमरा, फ़ोन और फोटोग्राफी का सारा सामान जो है, ये देखें आप, काफ़ी अच्छा बड़ा शोरूम है।
और मुझे जो है रेट भी ठीक लग रहे हैं इनके और रिलायबल स्टोर लग रहा है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भैया, हम खुद अपने लिए खरीदने आए हैं। अभी तक हमने खाने पे कोई वीडियो नहीं बनाई और खाने जो है यहाँ के मशहूर खाने हमने खाए हैं, क्योंकि लोकल लोग जो है वो ज़्यादा जानते हैं। पहले तो रेंडमली कहीं भी हम रुक के खाना खा लेते थे, अभी क्या हुआ कि जो यहाँ के कुछ जानकार लोग हैं, दोस्त हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स मिले, जब हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उनके साथ हमने खाना खाया। तो सबसे पहले खाया ममजार में, बहुत अच्छा खाना था, वहाँ की मिंटी बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी थी, उसकी वीडियो भी बनाई हमने। और भाई उसके बाद हमने खाना खाया है हाँ नाइफ में मियाँ जी रेस्टोरेंट जो है उसका खाना बहुत अच्छा था, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, टेस्ट में। और कल रात हमने खाया अलीगढ़ शेफ़, वो खाने की हम वीडियो बनाएंगे, उस खाने की तो तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। और आज हम बैठे हैं, रोड साइड रेस्टोरेंट है ये हमारे होटल के नीचे, इधर जा कर के राइट साइड में हमारा होटल है और उसके बाहर साइड ये ट्रैफिक चल रहा है, ये रेड लाइट है। तो अभी हम मोबाइल फ़ोन लेने गए थे, तो मोबाइल फ़ोन लेने के लिए हम गए थे अल्फाजी स्ट्रीट पर, तो उस शोरूम पर गए तो भाई शोरूम तो बहुत सारे देखे हमने, लेकिन जो वैरायटी, जो स्टॉक उनके पास है वो किसी और शोरूम में नहीं है। और जो कस्टमर थे ना वहाँ पे, उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी रिलायबल शॉप थी वो। तो वहाँ से हमने फ़ोन ख़रीदा और अब हम खाना खाने आए हैं, तो हमने ऑर्डर की है चेन्नई बिरयानी। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा हमारा चेन्नई बिरयानी का। तो हम लोग जब रेस्टोरेंट में बैठते हैं ना तो पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ का क्या फेमस है, जब नया रेस्टोरेंट होता है तो पता नहीं होता। तो इस बंदे ने चेन्नई बिरयानी बताई है भाई, अब पता नहीं अच्छी होगी, ख़राब होगी, कैसी होगी, तो खा के ही पता चलेगा। अभी चेन्नई बिरयानी आने वाली है, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हैदराबादी बिरयानी सुना है हमने, और बाकी बिरयानी तो होती है, चेन्नई बिरयानी का भी करते हैं, टेस्ट लेते हैं कैसा है। ये देखो डबल डेकर बस मेरे पीछे चल रही है। ये रोड साइड का ना बड़ा मज़ा होता है। ये जूस वाला भैया मुझे देख रहा है कि क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। चेन्नई बिरयानी उबले हुए चावल है भाई, ये आई है जी हमारी चेन्नई बिरयानी, और हमें शौक लग गया, ये उबला हुआ चावल के ऊपर अंडा रख के लाए हैं, इसे तो स्पाइसी भी बता रहे हैं। हमने अच्छा हुआ एक ही मंगाई है, और ये पापड़ और ये चटनी, तो अभी टेस्ट करके बताएंगे ये कैसी है। ओए होए भाई, चेन्नई बिरयानी तो है ये, चावल के साथ कोई इन्होंने सालन डाला हुआ है, कोई सब्जी वगैरह है, टेस्ट ठीक लग रहा है वैसे। खाना हमने खा लिया है, ये वेज बिरयानी जो है ऐसी मैंने बॉम्बे में भी खाई थी, चेन्नई बिरयानी जैसी है ये। इन्होंने राइस को फ्राई करके और उसके अंदर कोई ग्रेवी वाली आइटम डाली हुई है, देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन खाने में टेस्टी थी। तो खाना हमारा हो गया जी डिनर चेन्नई बिरयानी के साथ।